हेलो डियर स्टूडेंट, अंशी जी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर चल रहा है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका पार्ट 2 लेकर के फिर हाजिर आपके सामने। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, क्रॉप के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ा था, सारा का सारा हमने पढ़ा था। अभी क्रॉप कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल पढ़ा था, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। अब उससे आगे हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है, और उसके बाद पढ़ना हमने कल्टीवेटर और सोविंग। और स्टार्ट करते हैं, देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले क्या करते हैं, खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं दोस्तों, ठीक है, टिलिंग और प्लॉगिंग, खेत को क्या करते हैं, प्लॉग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। तो जुताई कैसे करते हैं, सबसे पहले बात ये है जुताई की जरूरत क्या होती है। देखिए जुताई की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो भी हमने उस मिट्टी में उगाना है, ठीक है, ग्रो करना है कुछ भी ग्रेन, तो सबसे पहले हमने मिट्टी को एक अच्छी उपजाऊ बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको लूजनिंग करना पड़ेगा, उसको मुलायम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा जो पौधा लगाया, हमने जो बीज डाला है मिट्टी में, वो अच्छी तरह ग्रो करें, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी जुताई करते हैं और मिट्टी को एक अच्छा रूप देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लॉगिंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। इससे आगे है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो कृषि के जो विभिन्न प्रकार के जो औजार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। भी हमने क्या करना है, फसल उगानी है, उससे पहले हमने बहुत प्रोसेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। यदि आप मैं अब तक खेत में नहीं गए हैं आप, तो सबसे पहले खेत में जाएं किसी जमींदार के, किसान के, और वहां देखें आप जितने भी औजार हैं कृषि से संबंधित, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपने अब तक नहीं गए हैं आप, तो सबसे पहले वो काम जरूर करें। यदि आप किसान हैं, किसान के पुत्र हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो इससे जो आगे की जो बात है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, या आप रियल में देखेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे हमने बात करी है जुताई की, जुताई करने वाला यंत्र देखिए, आप इसको रियल में देखेंगे तो अलग दिखेगा, आपको अच्छा दिखेगा और आप इसको देखते ही समझ जाएंगे दोस्तों। प्लग शेयर होता है, इसमें प्लग साफट लगी होती है और एक बीम होता है, ठीक है, इसी तरह होया होता है, हल बोलते थे जिसको पहले, ठीक है, अब भी एक ये होया होता है, इसमें एक बीम होता है, ये ग्रिप होती है और ये हैंडल होता है और ये बैंड प्लेट होती है और ये रॉड होती है, इसको होए बोलते हैं। ये सारे के सारे कृषि में कृषि के औजार हैं, ठीक है दोस्तों। अब इससे अगला जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कल्टीवेटर के बारे में बात कर लेते हैं। पर जो आजकल जो दिन है हमारे, प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर, जो आधुनिक काल है, जो अब जो चल रहा है वैज्ञानिक काल, उसमें क्या है दोस्तों, कल्टीवेटर के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, जुताई कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी से हमारी खेत की जुताई हो जाती है और हम अपनी फसल को अच्छी तरह उगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे और क्या होता है हमारा जो है ना, कल्टीवेटर से सेव होती है लेबर और टाइम, लेबर भी बचती है और टाइम भी बचता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर का सहारा लेते हैं जुताई करते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों इससे आगे पढ़ते हैं सोविंग के बारे में। सोविंग क्या होती है, हमने खेत को मिट्टी को अच्छी तरह बढ़ा दिया, अब हमने क्या करना है, बुआई करनी है, उसके अंदर क्या डालना है, ग्रेन डालना है, ठीक है। मान लीजिए हमने गेहूं की फसल बोनी है, तो अब हमने क्या डालना है, गेहूं की फसल डालनी है, ठीक है, गेहूं डालना है, गेहूं के बीज डालने हैं। तो देखिए सबसे पहले सोविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो बुआई है वो एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है किसका, कृषि का, ठीक है, कृषि का उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है दोस्तों, सोविंग है, बुआई है, ठीक है। तो सोविंग सबसे पहले अब हम बुआई करते हैं, बुआई में भी हमें ट्रेडिशनल कुछ चाहिए, देखो ट्रेडिशनल टूल चाहिए हमें, कुछ औजार चाहिए अभी, देखो द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, फनल जैसा होता है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ग्रेन डालते हैं दोस्तों, द सीड आर फिल्ड और सीड उसके अंदर फिल हो जाते हैं इनटू द फनल और पास्ड टू और थ्री पाइप एवी सेम एंड। दोस्तों देखिए ये एक टनल सा होता है, इसमें दो तीन पाइप होते हैं, ये रहे इधर, इधर हम क्या डालते हैं, ग्रेन डालते हैं, ठीक है, और इसको ट्रैक्टर से जोड़ देते हैं, ठीक है, कल्टीवेटर से,
ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं इसमें यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी इन पाइपों के माध्यम से वो धरती के अंदर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है, क्या होती है, बुआई होती है, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल के द्वारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीड ड्रिल की। जो आजकल जो वैज्ञानिक काल है उसमें देखिए सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। किसकी सहायता से हम बीजों को मिट्टी के अंदर डालते हैं दोस्तों, किसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से। दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, और एक अच्छे गहराई में डालते हैं जिससे हमारे को अच्छी उपज मिले, ठीक है दोस्तों। और क्या गहराई से आगे, इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। हम बुआई ऐसे तरीके से करते हैं जिससे हमारा जो हमने जो भी ग्रेन डाला है वो अच्छी तरह से वो मिट्टी में दब जाए, ठीक है, और अच्छी तरह से वो उपज मिले हमें उसकी, ठीक है, और अच्छी तरह वो ग्रो करे, इसलिए हम बुआई अच्छी तरह से करते हैं दोस्तों। आप यदि जमींदार के पुत्र हैं तो आपने जरूर देखा होगा ये सारे का सारा जो सिस्टम है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये सारा का सारा चैप्टर वो बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी खेती की है उनके लिए तो फायदा है दोस्तों इस चैप्टर का। और वैसे भी साइंस तो एडवांस है ही दोस्तों आजकल, इसमें साइंस में तो करना ही पड़ता है आपको, वैसे आप अपने घरेलू में भी इस चैप्टर को यूज कर सकते हो, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज इसका सोविंग, और इसके बाद हम करा रहे हैं आपको जो अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे आगे पढ़ रहे थे हम, नेक्स्ट जो कंटेंट हमारा है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं, होते क्या है, मैन्योर होते क्या है, ठीक है। तो देखिए द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, खाद और उर्वरक की बात कर रहे हैं, ठीक है, उर्वरक और खाद, ठीक है। देखिए वो पदार्थ जो हम ऐड कर देते हैं मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में और हेल्थी ग्रोथ पाने के लिए पौधे की, उसे क्या कहते हैं, मैन्यूर या फर्टिलाइजर कहते हैं, खाद और उर्वरक कहते हैं। तो दोस्तों खाद और उर्वरक का तो आपको पता चल गया होगा कि होता क्या है, क्यों इनका यूज करते हैं, ग्रोथ करने के लिए इसकी पौधे की, ठीक है, पौधे का जो पोषक तत्व है इनसे मिलते हैं, फर्टिलाइजर से और मैन्यूर से मिलते हैं, खाद और उर्वरक से, दोनों से इनसे क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं दोस्तों, क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये तो था ही था, आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ना आपने इनके बारे में होते क्या है, ये तो मैंने बता दिया। डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर में और मैन्योर में, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर तो पता है क्या होते हैं और मैन्योर का भी पता है क्या होते हैं, बट डिफरेंस नहीं पता वो मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए फर्टिलाइजर और मैन्योर की बात कर लेते हैं, ये तो बोलते हैं इनको, तो बोलते हैं उर्वरक हिंदी में, और इसको बोलते हैं दोस्तों खाद, क्या बोलते हैं, खाद, क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। अच्छा होता क्या है फर्टिलाइजर, देखिए दोनों में डिफरेंस करते हैं हम। ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, जो फर्टिलाइजर है उर्वरक जो है एक अकार्बनिक क्या है, तत्व है, अकार्बनिक है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक अकार्बनिक तत्व है, कौन कौन है दोस्तों, इनऑर्गेनिक साल्ट फर्टिलाइजर, ठीक है। और दूसरा इसमें फर्टिलाइजर इज ए प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो उर्वरक है वो कहाँ बनाए जाते हैं, इंडस्ट्री जो जो फैक्ट्री है उसमें बनाए जाते हैं, ठीक है, क्या उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। और तीसरा जो है डिफरेंस, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एंड ह्यूमस टू द सोइल, जो फर्टिलाइजर है वो नहीं प्रोवाइड करते एक ह्यूमस टू द सोइल, मिट्टी में ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। और फोर्थ क्या है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच, बहुत ज्यादा मात्रा में पौधे को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स लाइक जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये थे आपके
फर्टिलाइजर मेन्योर की बात कर लेते हैं। खाद की नेचुरल सब्सटेंस दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द कैटल, ठीक है, गाय के जो बोलते हैं उसको गोबर बोलते हैं, उसको इकट्ठा कर करके हम क्या बना लेते हैं, उसको खाद बना लेते हैं, ठीक है। मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मेन्योर है उसको हम तैयार कर सकते हैं कहाँ, खेत में भी हम तैयार कर सकते हैं। और मेन्योर प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रदान करते हैं कौन, खाद। और मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो मेन्योर होता है उसमें जो खाद है उसमें थोड़ा कम मात्रा में पौधे के पोषक तत्व तो मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे फर्टिलाइजर और मेन्योर में दोनों में डिफरेंस, ठीक है, ये आपने पढ़े। और अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ तक तो हमने पढ़ा फर्टिलाइजर और मेन्योर के बारे में, ठीक है। इससे जो अगला जो नेक्स्ट कंटेंट आने वाला है, जो पार्ट 3 आएगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, वो आपका आखिरी पार्ट होगा। उसमें आप इरिगेशन के मेथड पढ़ेंगे, इरिगेशन के फायदे पढ़ेंगे, ठीक है, इरिगेशन कैसे करते हैं, इरिगेशन कैसे होता है, और आप जो फसल है हमने जुताई भी कर ली, जुताई तो हो गई, सोविंग हो गई, और हमने बुआई भी कर दी है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब फसल को तैयार भी कर दिया है मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल करके, अब क्या करना है, हमने अगला जो पार्ट है उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, इरिगेशन करेंगे समय समय पर, कैसे करते हैं, ड्रिप सिस्टम से करते हैं या स्प्रिंकल सिस्टम से करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। उनके बारे में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम फसल को कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद क्या करेंगे, उसका स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और तब जाके हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।